उमेश हत्याकांड के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन जारी। अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चल रहा है। घर से दो विदेशी बंदूक और एक तलवार बरामद। बुलडोजर एक्शन के बीच बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का बड़ा बयान। अतीक अहमद की गाड़ी पलट जाए तो आश्चर्य नहीं, जब विकास दुबे नहीं बचा तो इन दुर्दांतों का क्या होगा। गलवान के शहीद जवान के पिता के साथ अभद्रता पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार से बात की है। घटना पर नाराजगी जताई। सीएम ने डीजीपी को तलब किया। होली से पहले आम आदमी को बड़ा झटका। घरेलू सिलेंडर 50 रुपए महंगा, अब सिलेंडर 1103 रुपए का। कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी 350 रुपए बढ़े। कांग्रेस हमलावर, लिखा अब कैसे बनेंगे होली के पकवान। केजरीवाल के कैबिनेट में शामिल होंगे दो नए चेहरे, सौरभ भारद्वाज और आतिशी बनेंगी दिल्ली सरकार में मंत्री। दोनों को मंत्री नियुक्त करने की फाइल एलजी को भेजी गई। आपके खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस की मोर्चाबंदी। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में कई जगह बीजेपी का प्रोटेस्ट। कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी दफ्तर का घेराव किया। सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की।